उधर यूपी में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के लिए आए मरीजों के लिए बड़ी खबर सामने आई थी। बताया जा रहा है कि केजीएमयू प्रशासन ने मरीजों का इलाज महंगा करने का फैसला किया है और केजीएमयू प्रशासन की तरफ से एक नई एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आइए जानते हैं केजीएमयू प्रशासन की तरफ से जारी की गई एडवाइजरी के बारे में। इस समय पर्चे का शुल्क 1 रुपए है, लेकिन इससे पहले मरीजों से पंजीकरण के नाम में 50 रुपए लिए जाते हैं। अब ये शुल्क 100 रुपए करने की तैयारी केजीएमयू प्रशासन ने कर ली। बताया जा रहा है कि ये पंजीकरण 6 महीने के लिए मान्य होगा। इसके बाद ओपीडी में पंजीकरण के लिए मरीजों को दोबारा फीस देनी है। 100 रुपए बढ़ जाएगा प्राइवेट किराया। केजीएमयू में इस समय प्राइवेट कमरों का किराया 1 दिन का 1800 रुपए है, लेकिन नए प्रस्ताव के मुताबिक ऑडियोलॉजी विभाग के प्राइवेट कमरों का किराया 2500 रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे में सभी विभागों के प्राइवेट कमरों का शुल्क करीब 700 रुपए बढ़ सकता है। इसी तरह प्लास्टिक सर्जरी विभाग के आईसीयू में भी मरीजों को शुल्क चुकाने का प्रस्ताव हॉस्पिटल बोर्ड की बैठक में पास किया गया है। इसी तरह शताब्दी भवन में खून में ऑक्सीजन के स्तर का पता लगाने के लिए कई जरूरी एबीसी जांच की सुविधा शुरू होगी। आपको बता दें कि अभी तक केजीएमयू में 13 OT चल रही है।